No, 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 no. Whatever I have sent you on the speech, regarding speech, that speech you have to learn. वो speech आपको learn करना है by heart. And you have to deliver. उसको deliver करना है. Make the videos of your own. Speech deliver करते हुए video बना कर भेजिए. See, I have sent in group, lots of students have done previously. Sara, Nisha, Zohra, Maryam, Maruf, Sana, Javed and so many other students. और भी बच्चे हैं, Ikra, Bushra, and Daniel, Adi, Ayan. So many students have already sent their videos on 15 August. 15 August पे बहुत से बच्चे ने अपने videos बना कर भेजे हैं. You also send your video. Okay, thank you very much, Ariba. I forgot to tell your name. Ariba also sent. Ariba, hiya, Ariba also sent. Well done, Ariba. Thank you very much. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, dear students, the speech which I had sent in the group, जो speech मैंने group में भेजा है, you have to learn the speech first. या आप उससे भी अच्छे अगर speech तैयार कर सकते हैं, तो you prepare your own speech and make a video of your speech delivering. Speech deliver करते हुए एक video बनाइए and send it to me on 15 on Teachers Day. Teachers Day पर आप मुझे वो video भेज दीजिए. So inshallah I will circulate, I will post, I will upload your video in all group. First से लेकर 10th तक के group में मैं वो video भेजूँगा. और जिसकी speech बहुत अच्छी रहेगी, उसको हम क्या करेंगे, नाइस इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मेरे दो चैनल, एक नाइस इंग्लिश स्कूल का चैनल है और एक तारिक सर का पर्सनल चैनल है. तो जो मैं चैनल पे भेजे भेज रहा हूँ, वट एवर लेक्चर्स आई एम सेंडिंग, इट इज़ थ्रू माई चैनल विच इज़ ऑनलाइन 2020. और एक नाइस इंग्लिश स्कूल का चैनल है जो बहुत बड़ा और बहुत वास्ट चैनल है, उस पर भी मैं क्या करूँगा, आई विल सेंड योर स्पीचेस. बिकॉज जो नाइस इंग्लिश स्कूल की चीज़ें वो नाइस इंग्लिश स्कूल के चैनल पे आपको 100% आपको मिलेगी. और जो तारिक सर जो आपको पढ़ा रहे, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू विल गेट ऑल दिस थिंग ऑन माई चैनल. एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि नाइस इंग्लिश स्कूल के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. और जो भी वीडियोज हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स. नाउ हियर वी आर इन दी चैट बॉक्स. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग ध्यान दीजिए. एंड ओनली 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, देन वी विल कम टू द कम्युनिकेशन. चलिए 10 मिनट्स से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ. यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक, आपको मिस्टेक फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए रेडी. Okay, somebody is joining, that's why. Okay, my first question is that which I am sending you. Okay, see the question is on your screen. Practice make a man perfect. What mistake I have done, you have to find out. Come on, make it fast. Okay, Sana Fatima, very good, superb, brilliant, excellent. Sana Fatima, well done. Okay, Sania Niaz, well done, brilliant. Sania Niaz, Sheikh Anas, excellent, brilliantly done. Khan Bushra and Rumaisha, Tariq Ansari, Salim Thakur, Khan Ikra, Zoha Sheikh, and you also, all you students, please check it. Aap bhi check karo, if someone has done mistake and by chance they didn't come in my view or I just forgot, so please you can tell me ki sir ye bacche ne kuch galti kiya hai, and speak English only, so that boy has done this mistake. So right now all the students have done correctly. आई थिंक अभी तक जितने भी बच्चों ने भेजा दे है सेंड द राइट वन, बिकॉज प्रैक्टिस सब्जेक्ट सिंगुलर, सो वर्ब क्या आएगा, मेक प्लूरल आएगा, मेक्स आएगा. सो यू नो द रूल्स, सब्जेक्ट सिंगुलर, ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब बाय मिस्टेक, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, प्लूरल आएगा. एंड वॉट इज सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस क्या है, सब्जेक्ट है.
और प्रैक्टिस क्या करता है, इंसान को परफेक्ट बना देता है। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन स्टूडेंट फास्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। आई थिंक आई हैव टू टेक द लेक्चर थ्रू माय लैपटॉप, लैपटॉप से इफ आई टेक द लेक्चर सो द राइटिंग विल बी द टाइपिंग विल बी फास्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑन स्क्रीन, व्हाट डू मेक अ मैन परफेक्ट, व्हाट डू मेक अ मैन परफेक्ट। No, dear, this is the writing session, spot the error, you have to write down, quickly, yes, Khan Bushra, wrong, Khan Ikra, wrong, yes, Daniel Huzefa, right answer, very good, Sana Fatima, very good, right answer, what does make a man perfect, okay, Suzanne also joined, Suzanne, you welcome in my lecture. बट सुजैन यू हैव डन मिस्टेक, आपने डज को भी प्लूरल किया है और मेक्स को भी प्लूरल किया है। अगर डज प्लूरल हो जाएगा तो मेन वर्ब है, मेक वो सिंगुलर हो जाएगा। ओके जुनेद अली रमज़ान, वेल डन डियर जुनेद अली रमज़ान, एंड रुमैशा तारिक अंसारी वेल डन, शेख आयशा क्वेश्चन मार्क, शेख आयशा वेर इज क्वेश्चन मार्क, एंड नफीसा वेल डन, सनोबर शेख ओके गुड आंसर, खान बुशरा एक्सीलेंट, अरीबा वेल डन अरीबा, जोहरा शेख सुपर ब्रिलियंट, मंतशा नालबन व्हाट डज मेक अ मैन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, साइफा मेमन एंड अल्फिया फैज एंड खान इकरा मोहम्मद यूसुफ सीमा बावा असलम खान गुरप्रीत कौर अरीज अंजुम खालिद चोगले एंड नाइस 1 2 3 रुखसार खान मोहिबुल हक एंड मंसूरी आमिर, ऑल यू पीपल हैव डन करेक्टली and nicely. Next question. Next question will be on your screen. Yes, send me the correct answer. Doesn't he knows you? I said send me the answer, not verbal, it is written. Okay, doesn't he know you? Well done, Sania Niaz, well done. Sana Fatima, Sheikh Anas, Mohibbul Haq, Khan Bushra, खान इकरा, रुमैशा तारिक अंसारी, साइफा मेमन, सुजैन खान एंड दानियाल हुजैफा अंसारी, असलम खान। यू पीपल चेक ऑल्सो, ऑल दी स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, यू ऑल्सो चेक, आप भी चेक करो, बिकॉज मे बी मैं किसी के बराबर से चेक नहीं कर पाऊँ और वो खुश हो जाए, उसकी गलती रह जाए, है ना। सो माई जॉब माई ड्यूटी इज दिट, मेरा काम है कि आई मस्ट टीच यू प्रॉपरली। किसी की कुछ गलती है इसके अंदर, इज देयर एनी मिस्टेक, समबडी हैज डन एनी मिस्टेक, यस हू इज दैट, किसकी गलती थी, सेंड मी प्लीज, हूज टेल मी द नेम प्लीज, गुरप्रीत कौर डजन, अच्छा ओके, ही
Yes. I got it. She forgot to put question mark as well. She has written article the. तो द नहीं आएगा, ही आएगा बाय मिस्टेक. आई अंडरस्टैंड दैट मे बी टाइपिंग मिस्टेक. ओके, बिसाइड दैट एनी वन हैव डन एनी मिस्टेक? ओके सानिया, थैंक यू बेटा. बिसाइड दैट, इसके अलावा किसी ने कुछ गलती किया है? सॉरी मोहम्मद यूसुफ. हाँ, एम डी यूसुफ ऑल्सो डन मिस्टेक. बाय मिस्टेक उन्होंने द लिख दिया ही के बदले. तो सब्जेक्ट ही आना चाहिए ना, डजन ही नो यू. सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड वॉट आई वॉन्टेड टू टीच यू? मैं देखो रोज़ाना एवरी डे 10 मिनट्स आई विल टीच यू दिस क्वेश्चन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, सो ऑक्सिलरी सॉरी वर्ब प्लूरल आएगा. सब्जेक्ट अगर प्लूरल आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर आएगा. ये सब चीज़ें डेली करते रहेंगे तो इंशाल्लाह. ओके, बोथ यू बॉयज, बोथ यू स्टूडेंट गुरप्रीत कौर एंड एम डी यूसुफ, यू हैव डन राइट नाउ. थैंक यू वेरी मच. सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड विथ इंटरेस्ट. सब स्टूडेंट्स अपने ऑन से विलिंगली दे हैव पार्टिसिपेटेड, इजंट इट? आरंट यू पार्टिसिपेटेड विलिंगली? हैवंट यू पार्टिसिपेटेड विलिंगली? नो, यस सर, नो सर नहीं, कंप्लीट आंसर. Haven't you participated willingly? Yes, sir. All the students, answer me, please. Haven't you participated willingly? Yes, sir. We have participated willingly. अगर किसी के parents ने forcefully अगर भेजा है, somebody's parents might have sent them forcefully कि नहीं join to. तो वो बोल सकता है, नो सर वी हैव नॉट अटेंड द लेक्चर विलिंगली, ऐसा बोल सकता है ना. बट अगर आप सब लोग ने खुशी ज्वाइन किया विलिंगली, मतलब खुशी हैप्पीली. चलिए स्टूडेंट, नाउ लेट्स वी कम आउट फ्रॉम दी चैट बॉक्स में से बाहर आते हैं, ठीक है? 10 मिनट्स हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव सेंट यू, जो मैंने आपको भेजा था चैट बॉक्स में, सो ऑल दी स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग चेक इन योर चैट बॉक्स में चेक करो. इफ़ यू डिडंट रिसीव दैट आई विल सेंड अगेन, नो प्रॉब्लम. मैं दोबारा उसको भेजता हूँ जो आपको मैंने भेजा था, आई विल सेंड देम अगेन. चलिए देखते हैं व्हाट आई हैव सेंड यू दैट डे. सम क्वेश्चन आंसर्स आई हैव सेंड. It was a communication. Where is that communication? I have sent or not? I don't remember. याद है मैंने भेजा था आपको, किसी को याद है कि नहीं भेजा मैंने? अरे 9th standard को तो भेजा ही नहीं. I have forgot to send you people. अरे अल्लाह, how can I forget that? So good communication I have prepared. इतनी अच्छी मैंने एक communication prepare किया था. And I was wondering कि आपने अभी तक आंसर क्यों नहीं भेजे. सो द मिस्टेक इज़ फ्रॉम माई साइड, आई हैव नॉट सेंड यू दैट क्वेश्चन. दैट डायलॉग्स मैंने आपको भेजा ही नहीं था. अरे स्टूडेंट्स, आई रियली फॉरगॉट. आई एम सो सॉरी. आई डोंट नो हाउ कैन आई फॉरगेट दैट सो इंटरेस्टिंग वर्क. इतना इंटरेस्टिंग काम मैंने किया था एंड आई फॉरगॉट माई सेल्फ. आई एम एक्सट्रीमली रिग्रेटेड. ओके, नाउ आई हैव सेंड स्टैंडर्ड 9 and 10. Now other class I am sending you people. 6, 7, 8. Check it now. Did you receive that communication? Yes, sir. Super. I think I have sent, but not in all group. Sir, 10th standard group you sent. Oh, I forgot to send in other. Maybe I forget to send in 9th standard. Maybe. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम. नाउ इट इज़ योर टर्न टूडे. आज आपकी बारी है. इट इज़ योर टर्न. आई विल नॉट स्पीक सो मच. यू पीपल हैव टू टॉक. माई फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू स्टडी? ऑल द स्टूडेंट हैव टू आंसर. देखो सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है.
ओके स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है, वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो, मीनिंग क्या है? आई के साथ में स्टडीज नहीं आएगा, आई के साथ में स्टडीज नहीं आएगा, स्टडिंग भी नहीं आएगा, स्टडिंग भी नहीं, नो स्टडिंग, आई और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई स्टडी, ओके वेरी गुड वेरी गुड सुपर्ब। सी आई प्रॉमिस यू पीपल, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 15 डेज के अंदर आई विल मेक यू कम्युनिकेट, आई विल मेक यू कम्युनिकेट ड्यूरिंग 15 डेज, 15 सितंबर तक आप लोग प्लीज़ अपना वॉल्यूम बंद कीजिए, जब बोलते उसी वक्त ऑन करो, व्हेन यू आर आंसरिंग दैट टाइम यू अनम्यूट योर वॉल्यूम, देखो कोई बच्चे का वॉल्यूम ऑन है। सो स्टूडेंट्स आई हैड अ प्रॉमिस और आई हैव अ प्रॉमिस विथ यू कि मैं आपको 15 दिन के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के कोई भी क्वेश्चन करूंगा आप लोग जवाब दे देंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और आपके ऊपर। सो जो भी आप जवाब दे रहे हो ना, यू हैव टू आंसर ओनली इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम नहीं आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है कि आई एम स्टडिंग, सो आंसर इज रॉन्ग, ये असलम को लगता समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो मुझे इस तरह से दिक्कत होगी तो कैसे चलेगा। डियर असलम आप अपना वॉल्यूम बंद करो बच्चा प्लीज़, इस तरह से करेंगे तो कैसा चलेगा यार, आई एम टीचिंग यू एंड यू पीपल आर, जब जवाब देते उसी वक्त आप अपना वॉल्यूम ऑन करो, आप लोग की आवाज़ सुनाई देती है, समझ में आया, पूरी घर की बात सुनाई देगी फिर अच्छी बात नहीं है ना। चलिए स्टूडेंट्स, सो व्हाट क्वेश्चन इज हियर, मैंने क्या क्वेश्चन आपको पूछा था, वेयर डू यू स्टडी, नो बडी विल आंसर, कोई जवाब नहीं देगा, नो बडी विल आंसर प्लीज, कोई जवाब नहीं देगा। स्टूडेंट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में डू और डज से पूछा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन में डू है या डज है, इफ़ आई हैव आस्क अ क्वेश्चन विथ डू एंड डज, ध्यान से सुन लो, सो मैनी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इन एवरी क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसी बातें सिखाते रहूँगा तो हम लोग आज का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो बेसिकली रूल्स है पहले मैं आपको बता दूँ, बेसिक रूल्स क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक रूल्स, इफ़ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपको जवाब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देने का है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ पढ़ते हो तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं नाइस इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हूँ, आप ऐसा बोलोगे मैं नाइस इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप स्कूल कैसे जाते हो तो आप क्या बोलोगे, मैं बाय रिक्शा स्कूल जाता हूँ, स्कूल जा रहा हूँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली जब इंग्लिश में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन किया जाता है तो आप जवाब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक रूल्स क्या है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा और वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट में सिंगुलर है तो आपका वर्ब प्लूरल रहेगा, ये आपको ध्यान रखने का है। और आप जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जवाब दे रहे हैं तो यू विल नॉट यूज़ इज आर एम यूज़ नहीं करेंगे। सपोज़ मैंने पूछा वेयर डू यू स्टडी और आप बोल रहे हो आई एम स्टडिंग इन नाइस इंग्लिश स्कूल, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। या कोई बोलेगा आई एम स्टडी इन नाइस इंग्लिश स्कूल, ये भी रॉन्ग है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली यू हैव टू यूज़ दी वर्ब। Have you understood what I have explained you? Yes, sir. Yes, sir. Have you understood? Have you all understood? Yes, sir. Yes, sir. I have understood. I am understood नहीं आएगा. Yes, sir. I have understood. चलिए. I am नहीं आएगा. I have understood. Yes, sir. I have understood. Okay, well done. चलो start करते हैं हम लोग communication. I have sent you the question. Question is on your screen. And everyone, आप ये मत सोचो कि कोई बोल रहा है तो मेरी बारी नहीं आएगी, नहीं, आई एम नॉट गेटिंग माई टर्न, डोंट फ्रस्ट्रेट, डोंट रिग्रेट, डोंट हेजिटेट,
जस्ट सिंपली आंसर, आई एम लिसनिंग एवरीवन्स आंसर, मुझे सबका आंसर सुनाई देता है। हाँ, अब मैं व्हाट्सएप चैट बॉक्स व्हाट्सएप में हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कौन बच्चे ने क्या बोला, इसलिए मैं किसी का नाम लेके मिस्टेक नहीं निकाल पाऊँगा। सो बट जो बच्चे दूसरे जवाब दे रहे हैं वो लोग दूसरे बच्चों को सुने, अगर उनको लग रहा है कि किसी बच्चे ने कुछ गलत जवाब दिया तो आप बोल सकते हो कि डियर हुज़ैफ़ा और डियर रुमेशा और डियर आदि दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ऐसा आप लोग बीच में बोल सकते हो। चलिए माय फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू स्टडी, राइट नाउ आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, सुपर्ब, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट, यू हैव गिवन द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वेरी गुड वेरी गुड, नो 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 नो, डियर 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 स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड उसके अगेंस्ट में जवाब मत दो। आई सेड डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैंने नहीं बोला हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट आंसर मी लाइक दैट वे। ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आंसर, लेट मी आंसर माय क्वेश्चन, मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड आई एम आंसरिंग ऑफ, मैं आपको जवाब दूंगा, आप पीपल जस्ट केयर बी केयरफुल। डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो मैं क्या जवाब दूंगा, यस आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर। अगर मेरे भाई बहन ने तो मैं क्या कहूँगा, नो आई डोंट हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर सिर्फ मेरे एक भाई है या एक बहन है तो मैं बोलूँगा आई हैव ओनली ब्रदर, आई हैव ओनली अ ब्रदर, आई डोंट हैव सिस्टर। और अगर खाली सिस्टर है भाई नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव नो ब्रदर बट आई हैव अ सिस्टर। अंडरस्टूड, किस तरह से एक ही क्वेश्चंस के चार और पांच जवाब बन जा रहे, अंडरस्टूड, समझ में आया आपको, एक ही क्वेश्चंस है उसके चार या पांच तरीके से जवाब बनते। सो जब आप लोग मुझे ये आंसर लिख कर देंगे ना, इसका आपको लिखने का है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजने का है, तो जब मुझे भेजेंगे तो जिसके जैसे भाई बहन है वैसा ही लिख कर भेजेंगे। अगर किसी का कोई भी भाई बहन है, इफ़ समवन हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, अकेला है अलोन है, तो वो बोलेगा आई डोंट हैव ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन, आई डोंट हैव ब्रदर एंड सिस्टर। किसी का खाली भाई है तो बोलेगा आई हैव ओनली ब्रदर नो सिस्टर, किसी की खाली सिस्टर है तो बोलेगा आई हैव ओनली सिस्टर नो ब्रदर। गॉट यू पीपल हैव टू आंसर, समझ में आ गया? ओके वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, ब्रिलियंट, ओके ओके सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? क्विकली क्विकली जवाब दो, क्विकली आंसर क्विकली। वेरी गुड एक्सीलेंट, फिनोमिनल फिनोमिनल फिनोमिनल, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, स्ट्राइकिंग आंसर, योर आंसर इज स्ट्राइकिंग मी। ओके सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पांच भाई है और एक बहन है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव फाइव ब्रदर्स एंड ओनली वन सिस्टर, ब्रदर प्लूरल आएगा बिकॉज फाइव है, आई हैव फाइव ब्रदर्स एंड ओनली वन सिस्टर। अगर सपोज मेरे दो भाई बहन होते तो मैं क्या कहता, आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। सो पीपल आर यू इंजॉइंग और नॉट, टेल मी प्लीज, फर्स्ट ऑफ दी ऑल, नो नो ऑनेस्टली ऑनेस्टली, आप नाउ यू पीपल आर ट्रूली आंसर्स,
देखो ओके नाउ लिसन, अब आप लोग जो है ना अपनी रियल स्टोरी बता रहे हो, कितने भाई बहन हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, ये सब आपकी रियल स्टोरी है। कभी भी आपको अपने बारे में लिखने का है माई राइट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ के ऊपर आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, आता है ना राइट माई सेल्फ, राइट ऑन योर सेल्फ। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखने का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहला और समझ लो, डोंट आंसर, जब तक कि मैं आंसर नहीं बोलूँगा आप लोग आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। प्लीज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव ऑल टूगेदर, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव ऑल टूगेदर। अब आपको पूरे फैमिली मेम्बर्स बताने गए, अम्मी अब्बू भाई बहन, दादा दादी अंकल आंटी नहीं, फैमिली मेम्बर्स में अम्मी अब्बू और भाई बहन है। चलिए नाउ यू आंसर, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव ऑल टूगेदर, ऑल टूगेदर मतलब सब मिलाकर। नो 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 नो, ब्रदर सिस्टर नहीं बोलेंगे, डोंट टेल ब्रदर इन सिस्टर, कंप्लीट आंसर दो। घर में कितने लोग हैं तो आप ऐसा बोलोगे एक भाई दो बहन चार भाई, वेरी गुड। ओके देखो किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेट 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 वेट, साइलेंस 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 साइलेंस, समबडी हैज गिवन वेरी गुड आंसर, किसी ने कहा आई हैव एट फैमिली, आई हैव एट मेंबर्स इन माय फैमिली, किसी ने ऐसा जवाब दिया आई हैव, वेरी गुड अदी अंसारी, वेल डन। किसी ने कहा आई हैव एट मेंबर्स इन माय फैमिली, लिसन आई हैव सिक्स मेंबर, नहीं मेंबर्स, आई हैव सिक्स मेंबर्स इन माय फैमिली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का लेक्चर तो अभी तक का बेस्ट लेक्चर है, आज का लेक्चर टुडेज लेक्चर इज द बेस्ट लेक्चर, अभी तक चार लेक्चर, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ सेशन आई एम डूइंग, है ना, मैं ये चौथा लेक्चर कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, यू कैन राइट दी एसे ऑन माई सेल्फ, माई सेल्फ पे ऐसे लिख सकते हो, आप लोग ने ऐसे लिख दिया माई फ्रेंड के ऊपर, इजंट इट ना, माई फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखी है ना, मैंने आपको कल कराया था, अब आप लोग ऐसे लिखेंगे माई माई सेल्फ, वेरी गुड। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव ऑल टूगेदर, तो आंसर है आई हैव सेवन मेम्बर्स इन माई फैमिली, ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव सेवन फैमिली मेम्बर्स भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे आंसर बहुत अच्छा लगा, आई हैव सेवन मेम्बर्स इन माई फैमिली, बहुत अच्छा आंसर है। किसी की फैमिली में दो ही मेम्बर्स है, तीन ही है, तो बोलेंगे आई हैव ओनली थ्री मेम्बर्स इन माई फैमिली, अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी अप्रिशिएट यू पीपल, लेट मी टेल यू पीपल योर आंसर इज़ वेरी गुड, एंड आप लोग अगर दूसरे का आंसर सीखते सीखते हैं ना, इफ़ यू आर लिसनिंग द अदर पीपल्स आंसर एंड यू आर इम्प्रूविंग, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए, इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप दूसरों का आंसर सीख सुनकर बहुत अच्छा सीख रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आ रहा है आपकी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है ना। नाउ दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ क्वेश्चन, पहले मैंने बोला वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वेयर डज योर ब्रदर एंड सिस्टर स्टडी। सबसे पहला मैंने इसके अंदर एक मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक मैं आपको बता दूँ, वेट, एक मेरी मिस्टेक हो गई है, बाई चांस एक मिस्टेक हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो मैंने क्वेश्चन में डज लिखा है, डज तो ब्रदर और सिस्टर मिला के प्लूरल हो जा रहे, ब्रदर और सिस्टर दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल होंगे ना, तो प्लूरल होंगे तो डज आना चाहिए कि डू आना चाहिए, डू आना चाहिए, डज नहीं आना चाहिए, मैं दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, क्यों प्लूरल है, बिकॉज सब्जेक्ट ब्रदर भी है और सिस्टर भी है, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो मेरे क्वेश्चन में एक गलती है, वेयर डज योर ब्रदर एंड सिस्टर स्टडी नहीं बोलना चाहिए, वेयर डू योर ब्रदर एंड सिस्टर स्टडी। नाउ लिसन, आप लोग परफेक्ट जवाब देंगे, अगर आपके भाई बहन आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे हमारे भाई बहन मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपका भाई आपके स्कूल में पढ़ता है, बहन दूसरी स्कूल में पढ़ती है, तो आप वैसा जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट आंसरिंग,
My two brothers study in nice in school. Yes, very good. Very good, very good, very good, very good. अदर पीपल आर नॉट आंसरिंग और सब बच्चे जवाब दो प्लीज 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 प्लीज. अच्छा आपका कोई दूसरा भाई बहन दूसरी स्कूल में नहीं पढ़ता है क्या? भाई बहन सब दूसरी स्कूल में नहीं पढ़ते क्या? वेरी गुड ब्रिलियंट सुपर नाइस. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा अभी तक बहुत से बच्चे जवाब नहीं दे रहे क्या बात है? सब नाराज हो गए क्या? अदर स्टूडेंट्स आर एंग्री विथ मी और व्हाट? मैंने उनको नहीं तो प्लीज सब जवाब दो. एवरी ऑल द स्टूडेंट मस्ट आंसर. आई वॉन्ट एवरी वन सब मैं चाहता है ऑल द स्टूडेंट मस्ट आंसर. वी हैव गॉट यस वेरी गुड. ओके आई अंडरस्टूड योर वन ब्रदर स्टडी हैज बीन कम्प्लीटेड इन नाइस इंग्लिश स्कूल. आई गॉट इट. नाउ लिसन अब इसका जवाब कैसे देने का दोगे मैं आपको बताता हूँ. आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. योर आंसर वॉज एब्सोल्युटली राइट. लेट मी टेल हाउ टू आंसर. वेयर डज योर ब्रदर एंड वेयर डू योर ब्रदर एंड सिस्टर स्टडी? अब सपोज मेरा एक भाई नाइस इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और एक भाई अब्दुल्ला पटेल में पढ़ता है तो मैं क्या बोलूँगा? माय वन ब्रदर स्टडीज. ब्रदर सिंगुलर है तो स्टडीज प्लूरल हो जाएगा. माय वन ब्रदर स्टडीज इन नाइस इंग्लिश स्कूल एंड अनदर स्टडीज इन अब्दुल्ला पटेल. माय वन ब्रदर स्टडीज इन नाइस इंग्लिश स्कूल एंड अदर स्टडीज इन अब्दुल्ला पटेल. सपोज आपके चार भाई है और चारों के चार नाइस इंग्लिश स्कूल में पढ़ते तो आप बोलेंगे माई ऑल फोर ब्रदर्स स्टडी इन नाइस इंग्लिश स्कूल. ऑल फोर, फोर ब्रदर्स प्लूरल है तो स्टडी सिंगुलर आ जाएगा. वर्क क्या हो जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा. सपोज आपके दो भाई और दो बहन है और सब नाइस में पढ़ते तो आप बोलेंगे माई टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स स्टडी इन नाइस इंग्लिश स्कूल. अंडरस्टूड गौचू पीपल? किस तरह से जवाब देने का है? रियल बताने का. रियल आई अंडरस्टूड. देखो रियल बताने का. रियल आप बिकॉज आप लोग को ऐसे लिख के भेजने का है. आपको ऐसे लिखने का है याद रखो. कल मुझे क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू टुमारो? सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर लिख के भेजेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे माई सेल्फ के ऊपर. गौचू पीपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा अभी वो ऑलरेडी मैंने बोला वेयर डज योर ब्रदर एंड सिस्टर स्टडी. अभी सेकंड क्वेश्चन भी सेम है. डू दे ऑल स्टडी इन सेम स्कूल? डू दे ऑल स्टडी इन सेम स्कूल? जहाँ आप पढ़ते हैं क्या वो सब वहीं पढ़ते हैं? तो इसका जवाब क्या देंगे आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुपर. देखो अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है. यू गिविंग योर रियल आंसर. आपने रियल आंसर दे रहे हो. आपका टैलेंट सामने आ रहा है. आप लोग बोल रहे हो सर माई टू ब्रदर स्टडी इन नाइस इंग्लिश स्कूल एंड वन सिस्टर स्टडी इन अब्दुल्ला पटेल है ना. कोई बोल रहा है सर माई वन सिस्टर स्टडी इन नाइस इंग्लिश स्कूल एंड वन ब्रदर स्टडी इन TMC स्कूल. सो आप लोग अपनी रियल लाइफ को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे. यू आर डिस्क्राइबिंग, यू आर राइटिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जा रहे हैं. हाँ डू यू ऑल स्टडी इन सेम क्लास? अब क्वेश्चन क्या? आपके सब भाई वहीं पढ़ते, सब एक ही स्कूल में पढ़ते तो मैंने बोला कि क्या वो सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं कि अलग अलग क्लास में? चलिए बताओ. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छी बात. सेम क्लास.
Very good, very good. Brilliant, excellent, superb, nice. बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग. यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. वेरी गुड. देखो कितना अच्छा. नो सर, माई ऑल ब्रदर्स आर, सॉरी आर तो नहीं बोलेंगे, सॉरी बाई मिस्टेक. माई ऑल ब्रदर्स डोंट स्टडी इन सेम क्लास. डू यू ऑल स्टडी इन सेम क्लास? तो आप बोलेंगे नो सर, वी ऑल डोंट स्टडी इन सेम क्लास. यू है ना, तो यू के जवाब में वी आएगा या आई आएगा, ठीक है ना. अब ऑल है तो आई तो नहीं आएगा, वी आएगा. डू यू ऑल स्टडी इन सेम क्लास? अगर यस, यस वी ऑल स्टडी इन सेम क्लास. नो, वी डोंट स्टडी इन सेम क्लास. दो तरह का जवाब आएगा. यस वी ऑल स्टडी इन सेम क्लास एंड नो वी डोंट स्टडी इन सेम क्लास. चलो जवाब दो आप लोग, जैसा मैंने बोला वैसा बोलो. डू यू ऑल स्टडी इन सेम क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ब्रिलियंट. देखो कितना कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, कितना बेहतरीन जवाब दे रहे. यू पीपल आर आंसरिंग मार्वेलस. योर आंसर इज मार्वेलस, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ऊपर ही है. अब स्कूल से ताल्लुक. डू यू गो बाय वॉक? अच्छा सॉरी, आप नेगेटिव वाला है. डोंट यू गो? हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? आप अपनी स्कूल कैसे जाते हो? ओके ओके, ऑल एवरीवन आंसर, सब लोग जवाब दो. आई गो टू स्कूल. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट. बार बार भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है. हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? तो आप बोलेंगे आई गो टू माई स्कूल बाई वॉक, या आई गो टू माई स्कूल बाई ऑटो रिक्शा, या आई गो टू माई स्कूल बाई बाई बस. अच्छा, अगर किसी के अम्मी अब्बू, अगर किसी के अब्बू उसको छोड़ने आते हैं तो वो क्या बोलेगा? माय डैड कम टू, ऐसा नहीं, कम्स नहीं आएगा. माय फादर ड्रॉप्स मी एट माय स्कूल. क्या जवाब आएगा? माय फादर ड्रॉप्स मी. हाँ, तो आपको समझ में आया कैसा चेंज हो रहा है? मैंने बोला आप, आपको बोलना है मेरे अब्बू मुझे स्कूल ड्रॉप करते, तो आप क्या बोलेंगे? My father drops me at my school. My father drops me. Okay, very good, very good. अभी next question देखो. हाँ, next question देखो. Okay, very good, very good, superb. Next question. अब negative वाला है, उसका जवाब कैसे देने का सोच समझ के देना. Don't you go by walk? किसी ने मुझे बोला कि सर मैं आई गो बाई रिक्शा, मैं रिक्शे से जाता हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा डोंट यू गो बाई वॉक? क्या आप चलकर नहीं जाते हो? डोंट यू गो बाई वॉक मतलब क्या आप स्कूल चलकर नहीं जाते हो? चलिए तो उसका जवाब कैसा देंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डोंट यू गो बाई वॉक? क्या आप बाई वॉक स्कूल नहीं जाते हो? तो आप बोलोगे यस आई गो बाई स्कूल, आई गो बाई वॉक. क्या बोलोगे? आई गो बाई वॉक, लेकिन यस बोलने का, यस आई गो बाई वॉक. बाई वॉक का मतलब पैदल जाना. यस आई गो बाई वॉक. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Does your father have a bike? Does your father no, have a bike? क्या आपके अब्बा के पास बाइक है? No, my father don't have a bike. Didn't नहीं आएगा. चलिए अभी देखो इसके इसके जवाब, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ. बहुत से लोग ने इसका जवाब दिए लेकिन सही जवाब नहीं आया. लेट मी गिव यू राइट आंसर. मैंने बोला
Does your father have a bike? Does your father have bike? क्या आपके अब्बू के पास में बाइक है? है ना माय क्वेश्चन. नहीं 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 डोंट कैसे आएगा? फादर सिंगुलर तो डोंट आएगा कि डजंट आएगा? थोड़ा सोचो आप लोग, सोचो लिसा, ध्यान दो. नो माय फादर डजंट हैव अ बाइक. मेरे अब्बू के पास बाइक नहीं तो बोलेंगे नो माय फादर डजंट यूज करने का. बेटा फादर सिंगुलर है ना, अभी आपको मैंने सिखाया सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज आएगा, डजंट आएगा, है ना. तो फादर क्या है, सिंगुलर है तो डजंट आएगा, डोंट नहीं आएगा. ठीक है. नो माय फादर डजंट हैव अ बाइक. मेरे अब्बू के पास में बाइक नहीं है. नो माय फादर. यस वेरी गुड. और अगर है तो आप क्या बोलोगे? no. अगर आपके अब्बू के पास में बाइक है, इफ योर फादर हैव बाइक, तो आप क्या बोलोगे? यस माय फादर. यस माय फादर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज. यस माय फादर हैज आएगा, हैज. यस माय फादर हैज अ बाइक. हैव नहीं आएगा. ठीक है ना. यस माय फादर हैज अ बाइक. वेरी गुड. कोई बोलेगा नो बाइक वाइक नहीं है, माय फादर, मेरे अब्बू के पास तो फोर व्हीलर है, तो क्या बोलेंगे? माय फादर हैज अ फोर व्हीलर, माय फादर हैज अ कार. हाँ माय फादर हैज अ कार बोलो या फोर व्हीलर बोलो. फोर व्हीलर का मतलब कार ही होता है ना. माय फादर हैज अ कार, माय फादर हैज अ फोर व्हीलर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Doesn't your father drop you by his bike? अगर bike है तो मैं बोलूँगा doesn't your father drop you by his bike? क्या आपके अब्बू आपको bike से school नहीं drop करते? Yes sir, my father drop me. Father singular है तो drop को plural बोलो, drops. अगर father singular है ना तो drops बोलो ना बेटा, plural बोलो. Yes, my father drops me. डोंट नहीं आएगा, डजन आएगा. देखो आप लोग है ना बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो. बार बार एक ही चीज़ बताना पड़ रही है. माय फादर डजन, माय फादर डजन ड्रॉप मी बाय हिज बाइक. मेरे फादर मुझे बाइक से ड्रॉप नहीं करते. और ड्रॉप करते तो आप क्या बोलेंगे? यस माय फादर ड्रॉप्स मी विथ हिज बाइक. डजंट हैव बाइक. वेरी गुड. कैन ही ड्रॉप मी? सो हाउ कैन ही ड्रॉप्स मी विथ हिज बाइक, ऐसा भी बोल सकते हैं आप. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम? क्या आप स्कूल टाइम पर पहुंचते हो? यस सर, आई नहीं 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 हैव और गो वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे, रीच वर्ड यूज है. यस सर, आई हैव गोइंग स्कूल. आई हैव गोन नहीं आएगा बेटा. स्टूडेंट्स आप लोग इतना आगे बोल के फिर गलत कैसे कर रहे हो? हैव क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? नो क्यों बोलेंगे बच्चा, नो क्यों बोलेंगे? मैंने बोला डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम, तो नो बोलने की ज़रूरत क्या है? यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम, हाँ मैं स्कूल टाइम से पहुँचता हूँ. और अगर नहीं पहुँचते तो आप बोलेंगे नो आई डोंट रीच स्कूल ऑन टाइम. दो आंसर है. लिसन 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 आप लोग अंदर देख कर जवाब दीजिए. मैं अभी आपको जवाब बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़. डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम, क्या आप स्कूल टाइम पर पहुँचते? तो दो जवाब होगा, यस या नो. अगर यस है तो आप बोलेंगे यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम, एकदम आसान. यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम. और अगर नहीं पहुँचते तो आप बोलेंगे अरे लिसन ना बेटा प्लीज़. और अगर आप स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच सकते हो या नहीं पहुँचते हो तो आप बोलेंगे नो आई डोंट रीच स्कूल ऑन टाइम. समझ में आ रहा है आपको बात? सब जगह पे गो यूज नहीं होएगा. आपको मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप स्कूल टाइम पर पहुँचते हो, सही टाइम सही समय पर? तो सही समय पर पहुँचते तो आप बोलेंगे यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम.
और अगर नहीं पहुंचते हो तो आप बोलेंगे नो आई डोंट रीच स्कूल ऑन टाइम। समझ में आ गया आपको? ओके वेल डन सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यू गेट लेट सम टाइम, डोंट यू गेट लेट सम टाइम, क्या कभी आपको लेट नहीं होता है? Yes, sometime I get late. Yes, sometime I get late. कभी कभी मुझे लेट होता है, और कभी भी नहीं होता क्या बोलेंगे? Yes, sometime I. अगर कभी भी लेट नहीं होता तो आप क्या बोलेंगे? No, I never get late. क्या बोलेंगे? No. I never get late. No, I never get late. मुझे कभी भी नहीं लेट होता। या बोलेंगे आई नेवर लेट, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई नेवर लेट ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अंडरस्टूड? दो तरह से जवाब होएगा। चलिए आगे देखिए। डू यू गो टू योर स्कूल रेगुलरली? डू यू गो टू योर स्कूल रेगुलरली? Yes, I go. Yes, I go to my school regularly. और अगर नहीं रेगुलर जाते तो क्या बोलोगे? अगर रेगुलर नहीं जाते तो क्या बोलोगे? नहीं। अगर आप नो लगाते हो ना तो डोंट का यूज करो, डोंट का यूज करो। नो आई डोंट गो, नो आई डोंट गो माय स्कूल रेगुलर। देखिए थोड़ा सी और इम्प्रूव में लाने की ज़रूरत है ना। आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस बहुत अच्छा बोलते हो, नेगेटिव में आप डोंट और डजन लगाना भूल जाते हो। नेगेटिव बोलते तो आप लोग सीधे नो बोलते। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनेगा डोंट और डजन लगाने से। तो अगर आपको बोलना है कि मैं रेगुलर स्कूल नहीं जाता हूँ तो आप बोलेंगे नो आई डोंट गो टू माय स्कूल रेगुलरली। और अगर रेगुलर स्कूल जाते हो तो आप बोलेंगे यस सर आई गो टू माय स्कूल रेगुलरली। एकदम ईजी है। डू यू गो टू योर स्कूल रेगुलरली? यस सर आई गो टू माय स्कूल, योर हो जाएगा माय। यस सर आई, यू, यू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यस सर आई गो टू माई स्कूल, जब यू आई हो गया तो योर माई हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर नहीं जाते तो आप बोलेंगे नो सर आई डोंट गो टू माई स्कूल रेगुलरली। चलिए दोनों तरह का जवाब दे के दीजिए मुझे क्विकली क्विकली। डू यू गो टू योर स्कूल रेगुलरली? दोनों तरह का जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड। दोनों जवाब दो, दोनों जवाब दो। यस आई गो टू स्कूल रेगुलरली, नो आई डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली, नो आई डोंट गो टू माय स्कूल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आप बहुत अच्छी ट्राई कर रहे हो एंड यू आर पिकिंग अप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हो, आप अपनी गलती बहुत जल्दी दुरुस्त कर ले रहे हो। यू आर डूइंग द मार्वलस वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। एक ही बार में आप अपनी गलती दुरुस्त कर रहे हो ना। अभी देखो आगे दूसरा क्वेश्चन। डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली? क्या आपका भाई रोज़ाना स्कूल जाता है? यस सर माय ब्रदर। अच्छा ओके 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 ओके। चलो मुझे बताओ मैंने ये क्वेश्चन के अंदर क्या गलती किया है। व्हाट मिस्टेक आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन, स्पॉट द एरर बताओ। डू यू गो टू योर स्कूल, डज योर ब्रदर, अच्छा इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है मुझे लगा क्वेश्चन में गलती है। डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली, कोई गलती नहीं है। चलिए आई लग मुझे लगा कि शायद गलती है, ठीक है। डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली? यस माय ब्रदर।
नहीं, कुछ गलती कर रहे हो आप लोग, बार बार गलती करते हो भाई। माई ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है ना, तो गो को गो बोलेंगे कि गोस बोलेंगे? गोस। कैसे आप लोग गो क्यों बोलेंगे? ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगा ना, गोस। गो नहीं बेटा, गो नहीं आएगा, गोस आएगा। ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब को प्लूरल गोस करेंगे, जी ओ ई इज गोस। अच्छा, अगर रेगुलर नहीं जाता तो आप क्या बोलोगे? नो माई ब्रदर, डोंट नहीं आएगा, डजन आएगा, डजन आएगा, डजन आएगा, डजन आएगा। डोंट क्यों आएगा? ब्रदर सिंगुलर है तो डजन प्लूरल आएगा ना बेटा, अभी तो आपने ऊपर बताए। ब्रदर सिंगुलर है तो डोंट नहीं आएगा, डजन आएगा, ठीक है। डज योर ब्रदर गो टू स्कूल रेगुलरली? तो आप बोलेंगे यस माई ब्रदर गोज टू स्कूल रेगुलरली। और अगर नहीं जाता है तो आप बोलेंगे नो माई ब्रदर डजन गो टू स्कूल रेगुलरली और डेली। अंडरस्टूड व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग? ओके ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इज योर सिस्टर पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन? इज योर सिस्टर पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन? क्या आपकी बहन उसके डेली कामकाज में पंक्चुअल है? पंक्चुअल मतलब रेगुलर, पंक्चुअल का मतलब होता है रेगुलर, जो काम रेगुलर एक ही टाइम पर करते हैं, सही समय पर, बीच में कभी गैप नहीं करते, उसको बोलेंगे पंक्चुअल। जैसे रेगुलर और डेली है ना, वैसे एक वर्ड आता है पंक्चुअल। इज योर सिस्टर पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन? ओके नो प्रॉब्लम, देन टू आंसर ना, कजिन सिस्टर को समझ के जवाब दो। नो सर, माई सिस्टर इज नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखो, दो आंसर आएगा, एक यस वाला आएगा, एक नो वाला आएगा। तो आप बोलेंगे यस सर माई सिस्टर इज, योर सिस्टर क्या हो जाएगा, माई में चेंज हो जाएगा और इज बाद में आ जाएगा। यस सर माई सिस्टर इज पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन, ये तो आप अंदर से ही जवाब दोगे ना। यस सर माई सिस्टर इज पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन। और अगर नो तो आप क्या बोलेंगे? नो सर माई सिस्टर इज नॉट पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन। अंडरस्टूड किस तरह से इज? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर कराए हैं आज, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के आंसर को मुझे लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पर, देन वी विल कंप्लीट। जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये कम्युनिकेशन पूरा, दो या तीन दिन लगेगा। सो हम क्या करेंगे, एक माई सेल्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसे लिखेंगे, बहुत बड़ा ऐसे बन जाएगा, कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतने आंसर्स। सो आपके ऐसे क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, योर आंसर्स वेर वेरी गुड, थो यू हैव डन सम मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स आपने किए हैं, बट आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ये जो सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। डेली हम लोग स्पोज दी एरर कर रहे हैं, तो लिखते वक्त आप लोग गलती सही पकड़ते हो, लेकिन बोलते वक्त आप जल्दी में गलती को जो है वो मिस कर जाते हो। बोलते वक्त ध्यान में रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो आप वर्ब को प्लूरल बोलोगे, अगर डज बोलना है तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं। अगर आपको पता है ब्रदर है और आप बोलना चाहते हो ही गोस, तो आप बोलेंगे माई ब्रदर गोज, और नहीं है तो आप बोलेंगे माई ब्रदर डजन गो। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के लिखेंगे आप लोग आंसर्स, ठीक है ना। सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर्स मुझे कल लिख कर भेजेंगे। कहाँ तक का? इज योर सिस्टर पंक्चुअल ऑन हर डेली रूटीन? और जहाँ पर भी क्वेश्चन है
वहाँ पर यस और नो दोनों जवाब लिखकर देने का है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्टडी इन योर, डू दे स्टडी इन योर स्कूल, तो आपको बोलने का यस दे स्टडी इन माई स्कूल, और बोलने का नो तो बोलेंगे नो दे डोंट स्टडी इन माई स्कूल. ठीक है ना? आप भेजेंगे मुझे आंसर्स? विल यू सेंड द आंसर्स? यस सर. श्योर? ओके ओके ओके. थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच. आज का लेक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि इस तरह से अगर हम डेली कम्युनिकेट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी उम्मीद, आप लोग की डेयरिंग हो जाएगी. यू पीपल विल बी डेयरिंग. आप लोग एकदम डेयरिंग बाज हो जाओगे और कहीं पर भी आप लोग इंग्लिश में बात कर सकोगे. सो प्लीज़. सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस, व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव? टेल मी प्लीज. हाँ, तो माय सिस्टर हैज कम, ऐसा बोलेंगे माय सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर स्टडी थ्रू नाइस इंग्लिश स्कूल. क्या बोलोगे? माय सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज थ्रू नाइस इंग्लिश स्कूल. अंडरस्टूड? माय सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज थ्रू नाइस इंग्लिश स्कूल. ठीक है? ओके. चलिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज. बाय बाय. टाटा. सी यू इंशाल्लाह इन टुमारोज लेक्चर. एंड सेंड मी फीडबैक्स. सीन मी. सेंड मी फीडबैक्स. फीडबैक्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. एवरीडे आप लोग कुछ नया नया सीख रहे तो मुझे फीडबैक्स भेजो. डोंट फॉरगेट, भले से एक लाइन या दो लाइन हो, बट डेली सेंड मी. वालेकुम सलाम. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. टाटा. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. हैव अ नाइस एंड जॉली नाइट. हैव अ नाइस एंड प्लीजेंट नाइट. है ना? हैव अ स्वीट 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 नाइट. Enjoy your rest of time, rest of night. Go have a nice supper. Have a nice supper. Allah Hafiz. Walaikum Salaam. Bye. Good night. Allah Hafiz. Good night. Bye bye, Tata. See you in Salah. Yes, student, please leave the lecture quickly. That's all my dear. Okay, I welcome you dear Khan Bushra. I welcome you. Bye bye sir. Thank you sir. Bye bye. Thank you. You welcome dear. Allah Hafiz. Allah Hafiz.